नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग होली का है, मतलब आज होली का दिन है और हम जा रहे हैं दोस्तों से होली खेलने के लिए और बाइक से निकल चुके हैं अपने गांव से। और जैसे ही आगे बढ़े हजौली में, वहां पर रंगों की टोली दिखी और रंगों की टोली में अगर हम मिल जाते हम तो वहां पर हमको बानर बना देते हैं। इससे बचने के लिए हमने दूसरा उपाय सोचा और साइड वाले रास्ते से निकल गए। साइड वाले रास्ते से निकले तो बच गए और चालाकी यहीं थी। तब तक मेरा कोचिंग दिख गया, कोचिंग देखे यादें ताज़ा हो गई। और क्योंकि 1 अप्रैल से फिर यहाँ सत्र नया स्टार्ट हो जाएगा, मेरी ही कोचिंग है और यहाँ 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अब आ चुके हैं यहाँ पर चिल्कार क्रॉसिंग, यहाँ पूरी तरह से खाली है क्योंकि आज होली है तो सभी होली में व्यस्त है। और यहाँ पर तब तक मैं सोचा कि तेल ले लें और पेट्रोल, दिमाग में था नहीं कि यहाँ पर पेट्रोल भी आज पेट्रोल टंकी बंद रहेगा, लेकिन फिर चले गए वहाँ पर, देखे मुंह लटका लिए ये तेल उल तो मिलेगा नहीं, चलते हैं। अभी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी दोस्त का इंतज़ार ही कर रहे थे तो 100 नंबर आ गई। अब सोचे कि अगर ये मिल गए तो हमारी होली बढ़िया से मना देंगे, थाना वाना बंद कर देंगे। तभी तक मेरा दोस्त आ गया। अब दोस्त ये देखिए आ रहा है, एकदम दोस्त कम भाई ज़्यादा है, बोल रहा है एकदम ये रंगों से तो रंग चुका है, बोला चलो चलते हैं। और ये आए हैं डेरा पर, ये माननीय घूरा मंत्री जी जो बसपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी समय दुनिया में नहीं है लेकिन उनके आवास पे आए हैं, उनके उनके पुत्र और भतीजे से मिलने के लिए उनके घर पे भी गए, उनसे मुलाकात भी हुई, शिष्टाचार मुलाकात भी हुई। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। ये समीप है, जो समीप मेरा दोस्त है उनके घर आए, उनके दादाजी का ये विकेट गिर चुका है, मतलब पी के गिरा हुआ है। और यहाँ पर अंदर घुसे, देखे सब इंजॉय कर रहे हैं तो पढ़ाव वड़ाम किए, बस वहाँ से निकल गए तो अंदर गए भाभी से मिलने के लिए। वहाँ भाभी से डॉक्टर भी और डॉक्टर भाभी दोनों लोग से, तो वहाँ पर देखे दोनों लोग रंग में रंग चुके थे, उन लोगों को प्रणाम किए। और नाश्ता वास्ता करने के बाद, जैसे ही अभी 1 घंटा वेट करने के बाद मेरा दोस्त है, ये सब लात जूते खूब पिटाया, उसके बाद इसको पता चला ये शरीर को सहला रहा था। तब तक गए सुनील भैया के मकान पर और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने मस्ती की कुछ देर तक, वहाँ पर डांस वंस हुआ, भाभी थी बहुत अच्छी भाभी थी, दो भाभी भैया भी थे वहीं पे, और हम लोग इन्जॉय किए, यानी ज़्यादा देर तक इन्जॉय किए। और सारा वीडियो तो नहीं डाल सकते हैं, इतना ही वीडियो से आप काम चलाइए, थोड़ा सा इन्जॉय दिखा देते हैं आप लोगों को। भाभी भी उधर देख रही थी, इलाज आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किए। अब ज़्यादा देर हो चुका था तो हम लोग चल दिए वहाँ से, क्योंकि 11 बजे का निकले थे और अभी यहाँ पर 4 बज चुके थे, तो रास्ते से निकल चुके हम लोग, दोनों भूत बन के चुके हैं और निकल रहे थे। देखिए स्कूल, देवस्थली स्कूल, बलिया का सबसे फेमस स्कूल, इसी रास्ते से होकर हम लोग नवीन के घर जा रहे हैं। और ये है भाई, अभी तक आगे जैसे अभी निकले ही दादी एक मिल गई, बोल रही थी कि मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर साधन मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग तब तक आ गए नवीन के घर, गुजिया खाए, भैया से मिले और फिर उसके बाद फोटो हुआ, ढेर सारी फोटो हुआ, लेकिन ये 2-4 क्लिप्स आपको दिखा देते हैं। और ये है नवीन छोटा वाला बाबू बंकू, और ये देखिए हम लोगों का फोटो। तब तक हम घर आए, घर आए तो देख यहाँ पर देखिए चाची बाबू और ये शिवानी है। देखिए संगम जो है बाल्टी में रंग लेकर पूरा एकदम अपना तैयार कर रहा है हथियार, और रेडी है कि कोई भी मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, होली के दिन एकदम पूरा। देखिए पिचकारी वगैरह लेकर ये डांस भी कर रही है, और ये देखिए हैप्पी है, ये हैप्पी है, और साथ में है आर्यन, और भी बच्चे हैं गांव के। ये संगम देखिए फिर आया है ना पूरा अपना हथियार लेकर, अब एकदम रेडी है कि कब इस मिल जाए कोई, उनका होलिया चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग होली मना लिए बच्चों के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचे। ये देखिए तो सोचे आप लोगों को दिखा दें, ये मेरा मैं खींचा हूँ इस फोटो को, एडवेंचर थोड़ा किया आज। और सभी को हैप्पी होली, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।